good morning dear students in the previous lecture we have discussed about factors and its properties today i am going to discuss about multiples and its properties so let us understand what is multiple a number that can be divided by another number without any remainder it is called मल्टीपल सो लेटस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर एट है तो ऐट को आप टू से पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हो सो एट इज द मल्टीपल ऑफ टू हियर अगेन एट कैन बी डिवाइडेड बाई फोर सो एट इज़ द मल्टीपल ऑफ़ फोर are you can say that multiples of a number are the result of multiplying the numbers here i have taken two numbers 3 and 4 and multiplied it and i got 12 so 12 is the multiple of 3 and 12 is the multiple of 4 let us understand how we will find the multiples of any numbers. One thing you should know that multiples are based on the multiplication table. Just like if you want to find the multiples of 6, then simply you can write the table of 6. The first multiple is 6. 12 is the second multiple 18 is the third multiple 24 is the fourth multiple and 30 is the fifth multiple and how you will get the multiples for getting first multiple you will multiply 6 by 1 and you will get the first multiple of 6 for getting second multiple you will multiply by 2 6 multiply 2 that is 12. For getting third multiple of 6, 6 multiply 3 that is equal to 18. For getting fourth multiple, you will get 6 multiply 4 and you will get finally 24. Similarly, you can find the other multiples of 6. Here I have written 30, after that, so on. It means कि आप जितने भी मल्टीपल्स फाइंड आउट करना चाहो बस आप मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे और सोचो कि ये एंड कहाँ पे होगा तो ये एंड नहीं होगा क्योंकि हर एक नंबर का अपना सक्सेसर होता है तो नंबर्स मिलते जाएंगे और हमको मल्टीपल्स आगे मिलते जाएंगे सो वी कैन नॉट काउंट द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर दे आर इनफाइनाइट let us find the multiples of 8 multiples of 8 are 8 16 24 32 and 40 and how we will find it if we want to find the first multiple of 8 then we will multiply with 1 8 multiply 1 that is 8 for getting second multiple 8 multiply 2 that is 16 for getting third multiple 8 multiply 3 that is 24 फॉर गेटिंग फोर्थ मल्टीपल एट मल्टीप्लाई फोर डेट इज़ थर्टी टू फॉर गेटिंग फिफ्थ मल्टीपल यू विल मल्टीप्लाई विथ फाइव एट मल्टीप्लाई फाइव दैट इज़ फोर्टी एसो ऑन यू कैन फाइंड द अदर मल्टीपल्स जैसे कि अगर आपको सिक्स मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो करो एट सिक्स जा फोर्टी एट सेवनथ मल्टीपल फाइंड आउट करना सेवन से मल्टीप्लाई करो एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल एट है सेकेंड मल्टीपल सिक्सटीन है थर्ड मल्टीपल ट्वेंटी फोर है एंड एंड सो ऑन यू कैन फाइंड इट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स तो यहाँ पे हमने मल्टीपल्स राइट कर लिया है सिक्स का मल्टीपल और यहाँ पे राइट कर लिया है एट का मल्टीपल्स तो फर्स्ट इज स्मॉलेस्ट नंबर इज नंबर इट्स सेल्फ यहाँ पे मल्टीपल होगा नंबर नहीं होगा इट विल बी मल्टीपल स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज नंबर इट्स तो देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है वो वही नंबर होता है द फर्स्ट मल्टीपल विल बी स्मॉलेस्ट मल्टीपल और क्या होगा वो नंबर ही मिलेगा जिस नंबर का आप मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हो वही उसका फर्स्ट मल्टीपल होगा सेकेंड प्रॉपर्टीज मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर्स जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं जैसे सिक्स का मल्टीपल सिक्स है ना तो सिक्स सिक्स के इक्वल है और या तो उससे ग्रेटर होंगे यहाँ ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सब कुछ सिक्स से ज्यादा है इन द केस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एट तो पहला क्या होगा पहला एट है जो कि इक्वल है बाकी सारे मल्टीपल्स एट से ज्यादा है तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो या तो ग्रेटर होते हैं मोस्टली सारे ग्रेटर होते हैं और जो पहला होता है वो वही नंबर मिल जाता है द थर्ड प्रॉपर्टी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट पहले ही बता दिए ना कि आप लोग मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते हो दे आर इनफाइनाइट Now, students, here I have given some questions for doing your classwork. So pause the video. In first question, you have to first you have to find first five multiples of five, seven, and thirteen. Second question is write first six multiple of three. Again, the second question is match the items in column first. विद द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड नाउ लेट एस डिस्कस द आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइव मल्टीपल्स फाइंड आउट करने थे फाइव के तो फाइव टाइम फाइव का टेबल राइट कर लो फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव फाइव मल्टीपल्स हो गए सिमिलरली यू कैन राइट द मल्टीपल्स ऑफ सेवन एंड थर्टीन राइट फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ थ्री तो थ्री के आपको सिक्स मल्टीपल्स राइट करने हैं तो पहला मल्टीपल क्या हो गया थ्री दूसरा सिक्स तीसरा नाइन चौथा ट्वेल्व देन फिफ्थ विल बी फिफ्टीन एंड दिक्स विल भी एटीन सो दे आर द फर्स्ट सिक्स मल्टीपल मल्टीपल ऑफ थ्री नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वॉच मैच द आइटम्स इन कॉलम विद द आइटम्स इन कॉलम सेकेंड तो आपको दिया है मल्टीपल ऑफ एट मल्टीपल ऑफ एट क्या है सिक्सटीन है एट का मल्टीपल सिक्सटीन होगा ना फिर मल्टीपल ऑफ सेवन क्या हो सकता है थर्टी फाइव हो सकता है ना सेवन फाइव जा थर्टी फाइव तो ये हो गया मल्टीपल ऑफ सेवेंटी सारे नंबर्स तो सेवेंटी से कम है तो सेवेंटी ये तो होगा ही नहीं फैक्टर ऑफ थर्टी अब आपको ढूंढना है कि कौन 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 सा नंबर है जो थर्टी को डिवाइड करेगा तो थर्टी को डिवाइड कौन करेगा फिफ्टीन करेगा ना तो इसको यहाँ मैच कर दो फिर फैक्टर ऑफ फिफ्टी फिफ्टी को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है तो ट्वेंटी फाइव करेगा इसको यहाँ मैच कर दो आप लोग फैक्टर ऑफ फिफ्टी से फिर फैक्टर ऑफ ट्वेंटी तो वो क्या होगा ट्वेंटी क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड तो सारे मल्टीपल्स आप लोग राइट कर लेना टेंथ मल्टीपल पहला तो नाइन आएगा एटीन आएगा ट्वेंटी सेवन ऐसे ऐसे राइट करते जाओगे तो जो टेंथ मल्टीपल मिलेगा वो नाइन्टी मिलेगा और आपको कहाँ तक लिखना है हंड्रेड तक तो इलेवेंथ मल्टीपल भी फाइंड आउट करो तो वो क्या होगा नाइन्टी नाइन बस आप लोग यहीं पे रुक जाइएगा क्योंकि अगर आप लोग ट्वेल्थ मल्टीपल राइट करोगे तो वो हंड्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको यहाँ तक ही मल्टीपल्स राइट करने हैं सो स्टूडेंट्स वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर